हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? देखो, हम लोग अभी केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिकली ये मोलारिटी एंड मोलालिटी हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, लॉजिक देखेंगे एंड कुछ ट्रिक्स, कुछ शॉर्टकट मेथड्स देखेंगे। यही जैसे कि कोई अगर अगर परसेंटेज दिया हुआ, जैसे एक्स परसेंट अगर दिया हुआ कोई सॉल्यूट का, तो कैसे उसका हम लोग मोलरिटी निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, एंड अगर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस दिया हुआ है तो उसका कैसे मोलरिटी निकालेंगे। ठीक, ऐसा हम लोग कुछ कुछ चीज देखेंगे। ठीक है, ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। हम लोग जो बोलते हैं ना कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन का, तो उसका मीनिंग होता है कि लेट मी राइट हियर फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन, राइट? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, ठीक है, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। इसका क्या मतलब होता है? अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, तो इस कंसंट्रेशन को समझने के लिए आपको तीन इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानना है। तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है? एक है सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट, तीसरा सॉल्यूशन। ये सब क्या है थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। बेसिकली देखो, सपोज हमारे पास एक बीकर है, बीकर में अपने कुछ एक लिक्विड, पहले से एक लिक्विड रखा हुआ है। सपोज इसमें वाटर है, सपोज इसमें कुछ भी लिक्विड है। ठीक है, पहले से कुछ लिक्विड है, राइट? ओके, अब आपने क्या किया कि कुछ सब्सटेंस, कुछ सॉलिड मटेरियल लिया आपने, सपोज। ठीक है, आपने कुछ भी एक दूसरा एक सब्सटेंस लिया एंड इस सब्सटेंस को इसमें मिला दिया। इसको मिलाने के बाद ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसमें ये जो लिक्विड है ना, जो पहले से बीकर में रखा हुआ था, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एंड जो सब्सटेंस आप मिला रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल्यूट, इसको बोलेंगे सॉल्यूट। एंड अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाने से जो चीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब इंटायर कॉन्सेंट्रेशन देखो, अब किसी भी सॉल्यूशन का जब आप कॉन्सेंट्रेशन निकालते हो, तो हमेशा याद रखना उसमें सॉल्यूट जो होता है ना, सॉल्यूट का आपको अगर उस फॉर्मूला में, अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालने वाले फॉर्मूला में अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो वो हमेशा सॉल्यूट का निकाला जाता है। ठीक है, वो सिर्फ अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तभी सॉल्वेंट का हम लोग लेंगे, अदरवाइज सॉल्यूट से ही हमें ज्यादा मतलब है। ठीक है, तो ये सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि जनरली सॉल्वेंट हमारा क्या होता है? वाटर। जनरली कुछ ना बोला जाए तो वाटर, और हो सकता है कि बहुत बार आपको बोला जाएगा, जैसे अगर आपको बोला गया कि एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर ये बोला गया कि हमारे पास एक एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो इसमें कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्यूट है, तो इसमें सॉल्यूट हो जाएगा ये कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट हो जाएगा सॉल्यूट, एंड सॉल्वेंट हो जाएगा ये एक्वस। एक्वस का मतलब होता है वाटर, तो सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर, सॉल्यूट हो जाएगा कॉपर सल्फेट, एंड दोनों को मिला के हम लोग एक सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर बोला गया कि NaCl इज डिसॉल्वड इन, सपोज अगर बोला गया कि सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्वड इन लेट्स से CCl4, लेट्स से। ठीक है, अगर बोला गया कि NaCl इज डिसॉल्वड इन CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये मिलके हम लोग का एक सॉल्यूशन बना, मान लो। तो इसमें सॉल्यूट कौन सा होगा एंड इसमें सॉल्वेंट कौन सा होगा? इसमें सॉल्यूट होगा NaCl एंड सॉल्वेंट होगा CCl4। ठीक है, ओके, तो याद रखना है जब भी एक्वस वाला वर्ड रहेगा, मतलब वाटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है,
अब हम लोग ये जो कंसंट्रेशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि कंसंट्रेशन का मतलब होगा कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूट जो है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूट कितना है उस सॉल्यूशन में, ठीक है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सब्सटेंस, एक एक सब्सटेंस का कितना अमाउंट एक पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम में दिया हुआ है, वो कंसंट्रेशन होता है। अब इस कंसंट्रेशन को मेजर करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है, इस कंसंट्रेशन को मेजर करने का बहुत सारा तरीका है। चलो देखते हैं कि किस किस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं। पहला है मास परसेंट, मास परसेंट, और मास परसेंट जिस तरीके से निकालोगे वैसा ही वेट परसेंट भी निकाल सकते हैं, तो दोनों सेम होता है। ठीक, एक हो गया मास परसेंट, दूसरा हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, राइट, दूसरा हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, एंड तीसरा हो गया आपका मोलरिटी, ठीक है, तीसरा हो गया मोलरिटी। ऑब्वियसली मोलरिटी इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड यूज्ड, ठीक है, इट इज द मोस्ट पॉपुलर, राइट, और यू कैन से मोस्टली यूज्ड, तो इट इज द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ मेजरिंग योर कंसंट्रेशन। देन फोर्थ, बेसिकली मतलब हम लोग कंसंट्रेशन को इस टाइप से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और एक होता है मोलालिटी, मोलालिटी ये भी बहुत जरूरी है, ठीक। फिफ्थ है नॉर्मलिटी, और भी बहुत सारा है, फॉर्मलिटी, डिमोलिटी, वो सब अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ ये पांच चीज देखेंगे। ओके, तो अब देखते हैं एक एक करके कि ये सब आखिर है क्या, ठीक है, मास परसेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, तो एक एक करके देखते हैं। देखो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं मास परसेंट, मास परसेंट का मतलब क्या होता है। मास परसेंट का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय दैट मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का नहीं सॉल्यूशन का निकालना है, इनटू 100। अच्छा, इसमें याद रखना कि सॉल्यूशन में ऑलरेडी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिला हुआ है, ठीक है, ये चीज इसमें याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बीकर लिए हैं, ठीक है, बीकर में ऑलरेडी हम लोग का सपोज 20 ग्राम का कोई एक सॉल्वेंट है, ऑलरेडी 20 ग्राम का सॉल्वेंट है, लेट इट बी लिक्विड और एनी टाइप ऑफ लिक्विड, ठीक है, इसमें 20 ग्राम सॉल्वेंट ऑलरेडी है, एंड आप क्या कर रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें 5 ग्राम एक सब्सटेंस डाल रहे हैं जिसको कि हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे सॉल्यूट, ये सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो मैं जनरलाइज्ड टर्म यूज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा सॉल्यूट। तो हमें निकालना है कि व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ दिस सॉल्यूट, ऑफ दिस सॉल्यूशन, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है, हमें कंसंट्रेशन निकालना है इन मास परसेंटेज। तो हम लोग क्या करेंगे, मास परसेंट will be equal to mass of solute, mass of solute क्या है 5 gram, divide by mass of solution, mass of solution क्या होगा solvent plus solute दोनों का mass जोड़ दो, तो 20 plus 5 तो हो गया 25 into 100, right, तो ये कितना हो जाएगा 20%, तो mass percent कितना होगा 20%, ठीक है, okay। इसी तरह से हम लोग weight percent भी निकालेंगे। अब हम लोग जाते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड क्या है कि कंसंट्रेशन को हम लोग मोल फ्रैक्शन का टर्म में भी बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन को हम लोग मोल फ्रैक्शन का टर्म पे भी निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, राइट, तो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सपोज सॉल्यूट ए लेता हूं, सॉल्यूट को मैं लेता हूं ए, सॉल्यूट को लेता हूं ए, सॉल्वेंट को लेता हूं बी, तो मोल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये हो गया एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। सिमिलरली अगर बोला गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर आपको बोला गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दैट इज सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज एन ए प्लस एन बी कर देंगे, आ गया मोल फ्रैक्शन।
एंड याद रखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं थर्ड मेथड, थर्ड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। तो थर्ड जो मेथड है, ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ मेजरिंग, वे ऑफ डिनोटिंग कंसंट्रेशन। तो ये इसको बोलेंगे हम लोग मोलारिटी, इसको बोलते हैं मोलारिटी, जिसको डिनोट किया जाता है एम से, एंड इसका यूनिट होता है, देखो इसका यूनिट हम एम भी बोल सकते हैं, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं मोल पर ग्राम, सॉरी मोल पर लीटर, ठीक है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। बेसिकली ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है मोल पर लीटर, ठीक है, ओके। अभी मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोलारिटी का मतलब होता है ये बताता है कि सॉल्यूट का कितना मोल एक लीटर सॉल्यूशन में मौजूद है। इट सिंपली टेल्स यू, मोलारिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन विल टेल यू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलारिटी अगर हमें निकालना है किसी भी सॉल्यूशन का, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है इन लीटर्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है इन लीटर, याद रखना मिलीलीटर में नहीं, ठीक है, एंड ये तो आएगा मोल्स में। तो मोलारिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो सॉल्यूट दिया हुआ है उसका हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, डिवाइड बाय जितना हमारा टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, उसको लीटर में लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है एंड उसका कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज हमने आपको बोला कि एक एग्जाम्पल ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं बोलता हूं कि वी हैव ए सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 2 मोल NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, NaOH का हमारे पास 2 मोलर कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें एक्चुअली 2 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ आवर सॉल्यूशन, 1 लीटर का जो सॉल्यूशन है उसमें 2 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट, याद रखना, ठीक है। अच्छा अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सपोज m ग्राम आपने ले लिया सॉल्यूट का, ठीक है, आपने m ग्राम ले लिया सॉल्यूट, एंड इस सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास है ms, ठीक है, इसका मोलर मास है ms, एंड आपने क्या किया कि इसको v लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, m ग्राम ऑफ सॉल्यूट लिया जिसका कि मोलर मास ms है, एंड इसको आपने क्या किया v लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, तो इस एंटायर सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, इट विल बी योर small m by capital M S, मतलब ये number of moles देगा, divide by V. This is the molarity of this particular solution. ठीक है? Okay. इसमें एक चीज याद रखो कि ये जो volume of solution है ना, ये जो volume है, ये volume temperature के साथ क्या होता है? Temperature अगर बढ़ाओगे तो volume क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब है कि मोलारिटी जो है वो डिक्रीज होगा, याद रखना, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर मोलारिटी विल डिक्रीज, ठीक है। इसीलिए हम लोग मोलारिटी वाला जो वे है एक्सप्रेस करने, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो ये वे है मोलारिटी का, इसको हम लोग कब यूज नहीं करेंगे, हम अगर मान लो कि अगर लैब में आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है कि लैब में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सिग्निफिकेंट टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो
इट शुड नॉट बी यूज्ड। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मोलारिटी एंड मोलालिटी में से किसको हम लोग यूज कर सकते हैं इन केस इफ देयर इज सम सिग्निफिकेंट टेम्परेचर चेंज। तो मोलारिटी को हम लोग यूज नहीं करेंगे, जब भी टेम्परेचर चेंज होगा सिग्निफिकेंट तो मोलारिटी को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज मोलारिटी विल डिक्रीज इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ओके। तो अभी इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने आपको बोला कि इस क्वेश्चन को करके देखो, ठीक है। सपोज 211 ग्राम, क्वेश्चन इज 211 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 इज डिसॉल्व्ड इन 10 लीटर, ठीक है। इट इज डिसॉल्व्ड इन 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 10 लीटर सॉल्यूशन में हमने इसको डिसॉल्व किया है, तो फाइंड द मोलारिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हमें इसका मोलारिटी निकालना है। क्या आप इसको निकाल सकते हो? देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ द सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट ये है, ठीक है, एंड सॉल्वेंट कुछ भी रहने दो। तो 211 हो गया इस सॉल्यूट का मास डिवाइड बाय इसका मोलर मास, ठीक है। तो इसका मोलर मास कितना होगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 84 आएगा। मोलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सोडियम के लिए लेंगे, हाइड्रोजन के लिए लेंगे, सी के लिए लेंगे, एंड ऑक्सीजन के लिए 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हर किसी का मॉलिक्यूलर मास लेके सबको सम कर देंगे तो 84 आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ठीक है। तो हम लोग का जो मोलारिटी होगा, मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी 211 बाय 84 बाय 10, व्हिच इज कमिंग टू बी अप्रोक्स 0.25, एंड इसको हम लिखेंगे 0.25 मोलर। तो हम बोलेंगे दिस कॉन्सेंट्रेशन इज ऑफ 0.25 मोलर, इट हैज 0.25 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अच्छा अभी देखते हैं कुछ ट्रिक्स या शॉर्टकट मेथड्स बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बहुत बार इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग वैसा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पोलैरिटी। बट अदर देन दैट हमारे पास कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, कुछ मेथड्स है, हम डायरेक्टली उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो, जैसे पहला वाला चीज बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो दिया गया है कि इसको ध्यान से देखना। मान लो दिया गया है कि x% ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, x% ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, x% सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ ये मैंने एक जनरलाइज में अप्रोच बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी हो सकता है। x% सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी डी, ठीक है। ये जो डी है ये डेंसिटी है। तो इस केस में अगर मुझे इसका मोलरिटी निकालना है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये होगा मोलरिटी इज इक्वल टू, ये एक्स लिखो जो भी दिया हुआ है, 20% दिया हुआ तो 20 लिखो, 10% दिया हुआ तो 10 लिखो, एक्स इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। याद रखना कि ये जो मोलर मास है ये हम लोग का, ये जो मोलर मास है इसको भी ग्राम में लिखो, ये जो डी है एंड ये डी होगा ग्राम पर मिलीलीटर में होगा, ठीक है, याद रखना। तो डायरेक्ट हम ये मोलरिटी निकाल सकते हैं इसका। अगर x% सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी डी देन मोलरिटी विल बी गिवन बाय दिस, ठीक है। और एक जो ट्रिक है या शॉर्टकट मेथड है वो कुछ ऐसा है कि सपोज अगर दिया गया कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसका कि इनिशियल मोलारिटी था m1, ठीक है, एंड उसका वॉल्यूम था v1 सॉल्यूशन का। अब हमने क्या किया, कुछ उसमें ऐड किया, मतलब उसको डाइल्यूट किया, ठीक है। डाइल्यूट करके अब हमने क्या किया, उसका मोलारिटी को m2 बना दिया एंड उसका वॉल्यूम हो गया v2, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में, मतलब
ये हो गया बिफोर डाइल्यूशन, ये हो गया आफ्टर डाइल्यूशन। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू करेंगे, मतलब इनिशियल मोलारिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल मोलारिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम। तो इससे बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। जैसे इसका एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस सेकंड वाले ट्रिक का क्वेश्चन होगा कि एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है कि व्हाट वॉल्यूम, अगर हम ऐसा बोलें कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नीडेड टू डाइल्यूट 50 मिलीलीटर 7 मोलर KCl कॉन्सेंट्रेशन टू 5 मोलर, ठीक है। मतलब हमारे पास 50 मिलीलीटर का 7 मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला KCl सॉल्यूशन है, उस पर हम कितना पानी मिलाएंगे कि वो 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाए। तो हम डायरेक्टली क्या अप्लाई करेंगे, 50 × 7 इज इक्वल टू 5 × V, ये भी निकालो, हो गया आंसर, ठीक है। देन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा सॉल्यूशन दिया गया हो, सबका मिक्सर दिया गया है। सपोज ये और एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, और एक शॉर्टकट मेथड। तो ये क्या है कि सपोज आपके पास बहुत सारा सॉल्यूशन दिया गया है एंड हर एक सॉल्यूशन का मैं आपको मोलरिटी एंड वॉल्यूम दिया। सपोज M1 है, V1 मतलब M1 मोलरिटी है, V1 वॉल्यूम है, ये एक सॉल्यूशन हो गया। उस तरह से और एक सॉल्यूशन दिया हुआ है M2 V2 का, इस तरह करके दिया हुआ है, सपोज N नंबर दिया हुआ है। एंड अब आपको बोला गया कि हमने क्या किया, सब सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, तो उसका रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होगा, तो इसका रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होगा, वो उसका शॉर्टकट ट्रिक है M1 V1, ठीक है। आप क्या करो, M1 V1 ये सब ऐड करते जाओ, M2 V2 प्लस .. पूरा जहां तक है MN VN तक डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस .. मतलब फाइनल वॉल्यूम जो होगा ना, टोटल वॉल्यूम, उससे डिवाइड कर दे। दिस विल बी द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर, ठीक है। ये सब कुछ शॉर्टकट मेथड है जिससे कि आप मोलरिटी का प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। देन वी विल सी मोलालिटी। देखो ये जो हम लोग मोलालिटी वाला जो लेते हैं, ये वाला हम लोग का फोर्थ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज मोलालिटी। ये भी बहुत यूज होता है, ठीक है। मोलालिटी का मतलब क्या होता है, मोलालिटी का मतलब होता है कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आई रिपीट, 1 kg, ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट का, ये जो पर्टिकुलर जो फिगर है वो आपको मोलालिटी कहलाता है, ठीक। तो मोलालिटी अगर आपको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मोलालिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, ठीक है। हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, इसके पहले हम लोग क्या ले रहे थे, मोलारिटी में ले रहे थे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अब इसमें लेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। अच्छा, तो ये मोलारिटी हो गया। इसका सबसे खास बात ये है कि मास जो होता है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, मोलारिटी के ऊपर में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए मोलारिटी हम लोग कब यूज करेंगे, When there is significant change in temperature. Suppose आपके lab में temperature जो है वो change हो रहा है significantly, तो उस केस में आप molality से represent करना अपने concentrations को, ठीक है, okay. इसमें और एक चीज जानना है, वो है कि जब water हमारा solvent है, suppose water is our solvent, ठीक है। अगर सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट होता है एंड कंसंट्रेशन इज लो, अगर बहुत लो कंसंट्रेशन होता है, देन इन दैट केस मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, याद रखना। तब मोलालिटी एंड मोलारिटी जो टर्म है, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा, ठीक है।
तो वाटर अगर सॉल्वेंट होता है एंड अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत लो होता है तो मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑलमोस्ट सेम वैल्यू लेगा। इस मोलालिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, एंड ऐसा यूनिट होगा मोल्स पर केजी। ठीक, ओके। अब इससे रिलेटेड कुछ शॉर्टकट चीजें, सपोज एक ट्रिक बता रहे हैं भाई, जो हमने लास्ट जो आपको मोलारिटी के लिए बताया था। सपोज आपका दिया गया है कि x% of solute is dissolved in a solution of density d। ठीक है, ये दिया गया है और आपको निकालना है मोलालिटी। तो डायरेक्ट एक इसका शॉर्टकट अप्रोच है, मतलब ट्रिक आप समझ लो एकदम, आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। आपको क्या करना है, x multiplied by 1000 डिवाइड मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 100 माइनस एक्स। ठीक, तो x% ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी डी। अच्छा, इसमें डी वाला इसमें टर्म नहीं आया क्योंकि ये वॉल्यूम आपको मास से वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, इसलिए इसमें डी वाला टर्म नहीं आया, जबकि मोलारिटी में डी वाला टर्म आया था, याद है ना। ओके, अब और इससे रिलेटेड और एक दो ट्रिक देखते हैं। सपोज आपको आपको दिया गया है, मोलारिटी में दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन एंड उसको आपको कन्वर्ट करना है मोलालिटी में, आपको उसको कन्वर्ट करना है मोलालिटी में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि m इज इक्वल टू, हम लोग डायरेक्टली इसमें करेंगे m इज इक्वल टू 1000, ध्यान देना बहुत शॉर्टकट मेथड है, 1000 इंटू m, मतलब ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो, डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, माइनस फिर से ये वाला मास ले लो, ये वाला मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लो इंटू मास ऑफ सॉल्यूट। याद रखना कि डेंसिटी इसमें, डेंसिटी का इसमें यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मिल, ये होगा ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, एंड इसमें ये एमएस क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये ग्राम में होगा और ये तो आपका नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर में है ही। ठीक है, ये डायरेक्ट आप मोलारिटी से मोलालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि 5 मोलर एक्वस, 5 मोलर सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 5 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है NaOH का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, 5 मोलर उसका कॉन्सेंट्रेशन है एंड अब आपको दिया गया है कि इसको मोलालिटी में कन्वर्ट करो कि ये कितना मोलल सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 1000 इनटू, यहाँ पे मोलालिटी क्या दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 पुट करेंगे, 5 डिवाइड बाय 1000 इनटू, इसका डेंसिटी पक्का आपको देखो इसमें जो आपको जो ये लेना है ना डेंसिटी, ठीक है, इसमें हम लोग का एक्वस है राइट, ये क्या दिया हुआ एक्वस NaOH, तो इसमें हो जाएगा डेंसिटी हो जाएगा 1 माइनस m के बदले क्या लेंगे 5, फिर से 5 लेंगे एंड मोलर मास ऑफ दिस सॉल्यूट, मतलब इसका मोलर मास NaOH का मोलर मास कितना होगा 40 है ना, 40 ग्राम, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 6.25। ठीक है, बहुत इजी से हम लोग मोलारिटी से मोलालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह से हमारे पास लास्ट जो एक बस्ता है विच इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। ठीक है, इट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी, वो हम लोग नॉर्मलिटी फॉर्मलिटी डिमोलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड हम लोग कुछ और प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड। अच्छा देखो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऑलमोस्ट डेली
मैं इसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड काइंडली इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू।